हम परेड कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं कि सर हमें कोई नोटिफिकेशन दो कि सर हमारे एग्ज़ाम्स किस प्रकार होंगे, सर कहते हैं कि जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू करेंगे हम वही करेंगे। तो जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है परेड कॉलेज के साथ, परेड कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पेक्स फॉलो करते हैं। तो जब हम छात्राएं जो हैं जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं तब हमारा यही उनका यही कहना होता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो परेड कॉलेज का विद्यार्थी है वो एक नदी में जो है वो तैर रहा है, ना वो इस पार जा रहा है ना वो उस पार जा रहा है। जब वो परेड कॉलेज आता है तो उसको कहा जाता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी, जब जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तब कहते हैं परेड कॉलेज। हमें इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए कि हमारा जो कॉलेज है वो कौन चलाता है, किस प्रकार चलाता है और क्यों चलाता है। अगर वाइस चांसलर जी चलाते हैं तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम चला रहे हैं, क्यों नहीं हमें रिटर्न में देते हैं कि वो चला रहे हैं, इस बात का हमें स्पष्ट रूप से। धन्यवाद। माय नेम इज रुद्रा, हम परेड कॉलेज से है। मैंने पहले भी बोला कि हमें नहीं पता हम परेड से है या जेयू से है, हमें जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों भेजा जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। जब हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस है हमें जेयू क्यों भेज रहे हैं ये लोग कि आप उधर से परमिशन लेकर आओ, लेकिन कि आपके जो पेपर होंगे उनके उनके बोलने के थ्रू होंगे कि क्या चाहिए आपको, हमें यही बता। देखो आप लेटर देखो, हमें जेयू वालों ने लिखकर दिया आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आपका कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो आपको हमें यहाँ क्यों भेज रहे हैं भाई, हमें ना इधर जाने दे रहे ना इधर जाने दे रहे, हमें बताओ हम कहाँ के हैं, यहाँ के हैं या जेयू के, दैट्स इट। हमें बस यही चाहिए, हमारे को अगर ऑनलाइन पढ़ाया है तो हमको हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन चाहिए, दैट्स इट। थैंक यू।